मस्जिद में था तो वो आजाद थी, कब्र में चला गया जिस मुबारक तब भी वो आजाद है ना, और उस वक्त भी अर्शे मौला में नमाजें पढ़ती थी और अब भी पढ़ती हैं और क्यामत तक पढ़ती रहेंगे। तो सवाब किसको मिलेगा? जिसकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा शाही मेरा शाही, अल्लाह ताला के 99 नाम है, एक जाती है, 98 सिफाती है, 98 सिफाती मिलकर भी इसमें जात को नहीं पहुंच सकते। वो 1,24,000 नबी सिफाती इसमें इसमें जात वाले, सिफाती इसम वाले मिलकर भी इसमें जात वाले को नहीं पहुंच सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या है, ए अल्लाह दीदार दे, जवाब आया ताब नहीं है, कहने लगे किसी में ताब होगी, जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, मैं नबी होके उम्मती के बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम या रहमानों का सिफाती इस्म का जिक्र करते थे और उनके जिस्म में जो नूर आया वो भी सिफाती नूर आया। और क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कोतूर में बेहोश हुए और हजूर पाक सामने जाके मुस्कुरा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में या रहमानों का सिफाती नूर था, वो जात की ताब न ला सका, और हजूर पाक के जिस्म में इसमें जात का जाती नूर था, जात जात के सामने मुस्कुराया, और हजूर पाक के तुफैल वो इस्म इस उम्मत को मिला, तब इसको फजीलत हुई। और उम्मत इससे डरती है या महरूम है। बनी इसराइल के नबी रश करते हैं इस उम्मत के ऊपर, वो दीदार को तरसते हैं, ये कहते हैं हम दीदार करते हैं, अगर इनको फजीलत है तो इसमें जात से है। हजरत इब्राहिम बिन औदो फरमाते हैं मैंने 70 मरतबा अल्लाह का दीदार किया है। हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मैंने 99 दफा अल्लाह को देखा है। सुल्तान साहब फरमाते हैं इधर देखता हूँ मखलूक नजर आती है, ऊपर देखता हूँ अल्लाह नजर आता है। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही, ये इसमें जात किसी नबी को नहीं मिला, मिला तो हजूर पाक को मिला। हजूर पाक के बाद 9 सहाबा कराम को मिला जिन्होंने इसको फैलाया। ये चश्ती नक्शबंदी कादरी उसी में से आते हैं, पहले 9 थे अब 4 रह गए, 4 भी एक कट गया सरवर्दी, 3 रह गया, 3 रह गया अब। अच्छा फिर 9 सहाबा से फिर उन 12 इमामों को जो वक्त के गौस थे इज्तमाई तौर पर फिर उनको दे दिया गया, फिर उन्होंने इसको फैलाया, फिर 12 इमामों से लेके इनफरादी तौर पे गौस पाक को दे दिया गया, तब आप गौस आजम कहलाए। अब फिर गौस पाक को हुक्म हुआ कि अब तुम इसको आगे फैलाओ, अब फिर गौस पाक ने फिर वलियों को फैलाना शुरू कर दिया। अब जो इसमें जात गौस पाक के पास है, आपको कहीं से भी हासिल हो जाए समझें कि आप गौस पाक से ही आपको इसमें जात हासिल हुआ है। फिर जब ये वलियों तक पहुंचा, उनके सीनों तक पहुंचा, फिर इसके बाद ये बिगड़ना भी शुरू हो गया। बिगड़ा कैसे, वली था इसमें जात लेके आया, लोगों को इसमें जात सिखाया, कलब का इसमें जात सिखाया, जब वो दुनिया से चला गया उसका बेटा वली बन के बैठ गया। वलायत वरासत नहीं थी, अगर वरासत होती तो नबूवत होती ना, भाई नबूवत होती ना, वरासत नबूवत आला मुकाम है ना वलायत से, अगर नबूवत वरासत नहीं है तो वलायत कैसे वरासत हो सकती है, अगर नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता तो वली का बेटा वली कैसे हो सकता। वाह सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, फिर उसका बेटा वो वली बन के बैठ गया, वो सदियों से ये रस्म चलना शुरू हो गई। हो सकता है उनमें कोई एक आध वली आ भी जाए, लेकिन सारी उनकी सारी औलाद वली तो नहीं हो सकती है ना। अब हमारे लोग उन गए जाके बैत होने शुरू हो गए, जाके पूछा तो सुना था कि कलब का भी मामला होता है, कहने लगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जंगलों में जाना पड़ता है, ये तो बड़ा जलाली है, तू पागल हो जाएगा, क्या तू जंगल में जाएगा, बेहतर है कि तू वो शजरा शरीफ पढ़ लिया कर, अल्लाह हाँ बस इसी से रब पे तुझ पे राजी हो जाएगा। वो बेचारा सारी उम्र शजरा शरीफ पढ़ता रहा, शजरा शरीफ से सिर्फ
सिर्फ शनाख्त हुई ना कि उस वली की किस 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 से नस्बत है, और तो उसमें कुछ नहीं है ना, सिर्फ शनाख्त ही ना। वो शजरा शरीफ पढ़ता रहा, आखिर में उसने भी घर में वो रख दिया एक तरफ। फिर आगे हमारे आमल थे, उन्होंने देखा ये खाली पीली गद्दी नशीन से ज्यादा नशीन, अगर ये बैत कर सकते हैं तो हम बैत नहीं कर सकते। वो हमारे तावीज लिखने वाले, उन्होंने बैत करना शुरू कर दी। जब बैत करना शुरू कर दी तो मरीदों ने कहा भैया कलब का सिलसिला, उन्होंने कहा बस ये है कि खलके खुदा को राजी रखो, उनको फैज पहुंचाओ और ये तावीज लिख के उनको दो, बस इसी में अल्लाह मिल जाएगा। वो भी तावीज लिखना शुरू हो गए। ख्याल अब इधर चला गया ना तावीजों की तरफ, उनका ख्याल शजरे की तरफ चला गया ना, वो अल्लाह को भूल ही गए ना। उसके बाद हमारे आलमों ने देखा भाई हम तो इनसे बेहतर हैं, इतना इलम जानते हैं, अगर इन्होंने 10-20 आदमी पीछे लगा लिए तो हम नहीं कर सकते ऐसा। वो आलमों ने बैत करना शुरू कर दी। जब आलमों ने बैत करना शुरू कर दी तो मरीदों ने कहा कि कुछ कलब का मामला, बस मंतक सीख लो, फलसफा सीख लो, बहस करना सीख लो। फिर क्या हुआ कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरा ही मान। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही, मेरा माही तेरा माही। फिर वो जो उनके मरीद थे वो बहस मुबासे में लग गए, हर जगह बहस मुबासे शुरू हो गया। फिर हमारे मुफ्तियों ने देखा ये तो हमारे शागिर्द थे आलम, इनके इतने मरीद हो गए तो हम क्यों पीछे रह जाए, उनके हम भी बैत करते हैं जी, आ जाओ। तो बैत शुरू हो गई। उन्होंने फिर क्या किया, तो फिर अपने शागिर्दों को वो फतवा सिखा दिया कि जो भी जरा हिले जुले उस पर फतवा लगा देना, हमारे बगैर जो भी हिले जुले उस पर फतवा लगा देना, और तुम इसका सबूत हम तुम्हें देते हैं। अभी रूहानी सफर को देख लो, इसके ऊपर जो फतवे लगाए उन्हीं के शागिर्दों ने लगाए ना भाई, उन्हीं मुफ्तियों के शागिर्दों ने फतवे लगाए ना, और उसके पढ़ पढ़ के देखो आया इसमें फतवे लगते हैं या नहीं। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लल जिहाद अल जिहाद। अब उम्मत बिल्कुल इस मिजाज से दूर चली गई। अब उनको पता ही रहा कि इस मिजाज भी होता था, कहने लगे होता था लेकिन पुराने जमाने में, अब नहीं है। लेकिन जिस दिन ये इसमें जात दुनिया से चला गया, दुनिया को हक ही नहीं है जिंदा रहने का, उसी दिन क्यामत को आ जाना है। ये इसमें जात हर जमाने में, सिर्फ एक इसकी शनाख्त नहीं है। इस वक्त जितने भी आदमी हैं किसी न किसी से बैत होंगे, हर शख्स अपने पीर को वली समझता, तब उसे बैत हुआ ना, क्योंकि बैत वली की होती है। अब सारे तो वली नहीं हो सकते हैं ना, सबके पीर वली नहीं हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया में 360 वली होता है, 40 अब्दाल होता है, अब्दाल को भी इजाज़ नहीं है कि वो बैत करे, सिर्फ गौस और कुतुब, एक गौस तीन कुतुब वो अब्दाल, एक गौस तीन कुतुब वो बैत के मोजाज हैं या उनके आगे खलीफे। अब जिधर भी जाओ गौसे जमान और कुतुबे जमान, गौसे जमान और कुतुबे जमान। अब इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया, वली को वली पहचानता है, वली को वली पहचानता है, चोर को चोर पहचानता है।